हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सिंपल नेक की कटिंग का डायग्राम बनाएंगे, सिंपल नेक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह पहले आपको कमीज को इस तरीके से ड्रॉ करके कट कर लेना है। आप देख सकते हैं, आपको कपड़े पे इस तरह से कट कर लेना है। और फिर जैसे कि आपको सिंपल नेक बनाना है, तो जैसे अगर हमारा जो फ्रंट नेक है और उसकी जो लेंथ है वो 6 इंच है और बैक नेक की लेंथ है 3 इंच। और अगर आप चौड़ाई अगर रख रहे डायरेक्ट आप कपड़े पे डायरेक्ट काट रहे तो आपको 2.25 इंच रखना है इसकी चौड़ाई। अगर आप कैनवस पे काट रहे हो तो 2.5 इंच। और कुछ लोग चौड़ा नेक पहनते हैं तो उन लोग 3 रख सकते हैं, तो 3 काफ़ी हो जाएगा। तो आपको अगर डायरेक्ट कपड़े पे काटना है तो 2.25 इंच। तो हम बिना कैनवस के अगर बना रहे और कैनवस के बना रहे तो 2.5 इंच। हमारा फ्रंट कुर्ती है और ये हमारा बैक कुर्ती है। तो फ्रंट कुर्ती और बैक कुर्ती की जो चौड़ाई वो सेम ही रहेगी, बस लेंथ में फ़र्क रहेगा। तो यहाँ से आपको यहाँ पे 2.25 इंच लेना है यहाँ पे, और आपको जैसे नेक की लेंथ चाहिए 6 इंच, तो आपको इधर पे सीधा मेजर टेप रख के आपको यहाँ पे 6 इंच, और फिर आपको इस तरीके से आपको जो भी पैटर्न चाहिए, जैसे इस तरीके से चाहिए तो आपको इस तरीके से, या आपको राउंड चाहिए तो आप इधर से ऐसा राउंड कर सकते हैं। और बैक नेक में भी सेम आपको यहाँ से यहाँ तक 2.25 इंच सेम ही लेना है, पर यहाँ पे आपको 3 इंच लेना है। और फिर इस तरीके से डायरेक्ट आपको कट कर देना है, और फिर यही कपड़े को लेके आपको कपड़े पे यही शेप का काटना है, और फिर आपको यहाँ पे इस पर स्टिच करना है। तो फ्रंट नेक में फ्रंट कुर्ती में भी और बैक कुर्ती में भी नेक की जो चौड़ाई है वो 2.25 लेना है, और यहाँ पे भी चौड़ाई 2.25 लेना है, और यहाँ पे जो लेंथ है वो 6 इंच रहेगी, और यहाँ पे 3 इंच। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।